Once again, today I am going to explain in your English fairy book chapter 7 the indomitable Sudha Murthy. Okay, Sudha Murthy. Sudha Murthy is the chairperson of Infosys Foundation, and she involved in a number of social development initiatives. So let's start. It was a long time ago. कुछ समय पहले की बात थी. आई वॉज इन फाइनल ईयर ऑफ माई मास्टर कोर्स इन कंप्यूटर साइंस. जब वो अपना कंप्यूटर साइंस में मास्टर कोर्स कर रही थी. वेयर फ्रॉम वेयर शी हैज डन इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इट मीन्स IISc, ओके, इन बैंगलोर. बैंगलोर में IISc नाम के इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी. नाउ बेंगलुरु. अब उस बैंगलोर का क्या बोला जाता है? बेंगलुरु बोला जाता है. देन नोन एज द टाटा इंस्टीट्यूट. और उस समय उसको टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था. लाइफ वॉज फुल ऑफ फन एंड जॉय. और उस समय उनकी लाइफ बहुत ही खुश थी, मतलब फन एंड जॉय, मस्ती भरी थी और बहुत ही खुश थी. इट वॉज प्रोबेबली द अप्रैल ऑफ 1974. अप्रैल का महीना था. बेंगलोर वॉज गेटिंग वार्म एंड रेड बुलबोहर वर ब्लूमिंग एट द IISc कैंपस. IISc कैंपस में गुलमोहर के रेड फ्लावर ब्लूम कर रहे थे, खिल रहे थे, और हल्की गर्मी भी थी. आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट एंड वॉज स्टेइंग एट द लेडीज हॉस्टल. मैं सिर्फ एक अकेली लड़की थी जो वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी अपने डिपार्टमेंट में और हॉस्टल में रहती थी. अदर गर्ल्स वॉज परस्यूइंग रिसर्च इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस. और जो दूसरी लड़कियाँ थी वो दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब साइंस के दूसरे डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रही थी. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग एब्रॉड टू कम्प्लीट डेकोरेट इन कंप्यूटर साइंस. और मैं कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई को आगे करने के लिए एब्रॉड जाना चाहती थी. आई हैड बीन ऑफर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी USA, और मुझे US की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई थी. आई हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप अ जॉब इन इंडिया. और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इंडिया में जॉब करूँगी. वन डे वाइल ऑन द वे टू माई हॉस्टल फ्रॉम आर लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स. जब मैं लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से घर की तरफ आ रही थी एक दिन, आई सॉ एन एडवर्टाइजमेंट. मैंने एक एडवर्टाइजमेंट को देखा ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड के ऊपर. इट वॉज अ स्टैंडर्ड जॉब रिक्वायरमेंट नोटिस फ्रॉम द फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को. टेल्को कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा जो जॉब रिक्वायरमेंट के लिए था, टाटा मोटर्स जिसे बोलते हैं. इट स्टेटेड दैट द कंपनी रिक्वायर्ड यंग ब्राइट इंजीनियर्स. उसमें क्या लिखा था कि कंपनी को रिक्वायर्ड है यंग ब्राइट इंजीनियर्स की, ओके, हार्ड वर्किंग एंड विद एन एक्सीलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड ETC. और जिनका जो बैकग्राउंड था वो एक्सीलेंट रहा हो, बहुत ब्रिलियंट बच्चे रहे हो, ऐसे यंगस्टर्स की जरूरत थी. एट द बॉटम वॉज अ लाइन. लेकिन नीचे एक लाइन लिखी हुई थी. क्या थी वो लाइन? लेडीज कैंडिडेट नीड्स नॉट अप्लाई. लेडीज कैंडिडेट वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते. आई रेड इट एंड वॉज वेरी अपसेट. जब मैंने उस लाइन को रेड किया, मैंने उस लाइन को पढ़ा, तो मैं बहुत अपसेट हो गई. दो आई वॉज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप अ जॉब. आई सॉ दिस एज अ चैलेंज. मुझे वैसे तो जॉब नहीं करना था उसमें, लेकिन मुझे ये चैलेंज लगा. आई हैड डन एक्सट्रीमली वेल इन एकेडमिक, क्योंकि मैं तो एकेडमी में बहुत अच्छी थी, बेटर देन मोस्ट ऑफ माई मेल क्लासमेट. मैं मेल क्लासमेट से ज्यादा अच्छी थी. लिटिल डिड आई नो देन दैट इन रियल लाइफ एकेडमिक एक्सीलेंस इज नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल. अब उनको समझ में आया कि एक एक्सीलेंसी लाइफ के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है. इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है गर्ल्स और बॉयज के बीच में. आपको एक बात मैं बता देती हूँ कि जो ये सुधा मूर्ति थी वो 600 बॉयज में एक अकेली गर्ल थी अपने डिपार्टमेंट में, जिसमें वो अपनी मास्टर डिग्री हासिल करना चाहती थी. और जब इन्होंने वहाँ एडमिशन लिया तो इनको कुछ शर्तें रखी गई इनके सामने. इनको बोला कि आप साड़ी
साड़ी पहनेंगी जब तक आप ये मास्टर डिग्री कर रहे हैं, इनको बोला गया आप बॉयज से बात नहीं करेंगी, है ना। तो इन्होंने शर्तों को तो मान लिया, इन्होंने बॉयज से भी बात नहीं की, लेकिन ऑटोमेटिकली जब इन्होंने टॉप किया, है ना, जब इन्होंने टॉप किया तो बॉयज लोग ही ऑटोमेटिकली इनसे बात करने लगे, क्योंकि उन 600 बॉयज में से सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। ठीक है। आफ्टर रीडिंग द नोटिस आई वेंट फर्मिंग टू माई रूम। फर्मिंग मीन्स वेरी एंग्री। जब मैंने इस नोटिस को पढ़ा तो बहुत गुस्से से मैं घर के अंदर चली गई, मतलब अपने रूम में चली गई। आई डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द टॉप मोस्ट पर्सन इन टेलीको मैनेजमेंट अबाउट द इनजस्टिस द कंपनी वॉज प्रैक्टिसिंग। और मैंने डिसाइड कर लिया कि जो टॉप मोस्ट पर्सन है टेलीको कंपनी के, उनको मैं एक मतलब ये जो इनजस्टिस किया है इन्होंने, इसके लिए एक लेटर लिखूंगी। आई गॉट अ पोस्ट कार्ड, मैं एक पोस्ट कार्ड लेके आई एंड स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। क्या थी? आई डिड नॉट नो हु हैड इट टेलीको। मुझे तो पता ही नहीं था कि टेलीको का हेड कौन है ना। आई थॉट इट मस्ट बी वन ऑफ द टाटास, बस इतना सोच रही थी कि हाँ कोई टाटा है ना, टाटा। आई न्यू जे आर डी टाटा वॉज द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप। मुझे पता था कि टाटा ग्रुप के हेड कौन है, जे आर डी टाटा। आई हैड सीन हिज पिक्चर्स इन न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर में उनकी पिक्चर्स देखी थी। एक्चुअली सुमंत मूल गावकर वॉज अ कंपनीज चेयरपर्सन देन। और उस समय जो सुमंत मूल गावकर जो थे वो उस टाइम वहाँ के चेयरपर्सन थे। ठीक है। आई टुक द कार्ड एड्रेस इट टू जे आर डी, मैंने कार्ड को लिया और जे आर डी टाटा को एड्रेस करते हुए लिखा। टू दिस डे आई रिमेम्बर क्लियरली वॉट आई रोट, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने क्या लिखा था। अब वो लेटर में क्या लिखा था, चलिए उसको एक्सप्लेन करती हूँ। द ग्रेट टाटाज हैव ऑलवेज बीन पायनियर, उसने लिखा जो टाटाज हैं, ग्रेट टाटा है, वो हमेशा पायनियर्स रहते हैं, है ना। पायनियर्स मीन्स अ पर्सन हु इज आर ऑफ द फर्स्ट पीपल टू डू समथिंग। ओके। दे आर द पीपल हु स्टार्टेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक। सच एज आयरन स्टील। अब टाटा ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में लगाई हैं, उनमें से कौन कौन सी हैं, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, टेक्सटाइल, लोकोमोटिव, है ना, ETC, इतनी सारी कंपनीज को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। दे हैव क्योर फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, उन्होंने 1900 से अपने इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत केयर करी है, ध्यान दिया है। देवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी एस्टेब्लिश किया है। फॉर्चुनेटली आई स्टडीड देयर, और फॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर पढ़ी। बट आई एम सरप्राइज, लेकिन मैं वहाँ पर सरप्राइज हो गई। हाउ अ कंपनी सच एज टेलीको इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जब कंपनी इतना कुछ कर सकती है एजुकेशन के लिए और भी चीज़ों के लिए, तो फिर वहाँ पर इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, है ना, जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है उस कंपनी में। ठीक है। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द एक्सप्लेनेशन पार्ट, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन सेकेंड पार्ट, इट मीन्स सेकेंड वीडियो। सो बाय, टेक केयर।